नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ वास्तु टिप्स। मुख्य द्वार के पीछे लटकाई ये चीज, सौभाग्य एवं संपत्ति में होगी बढ़ोतरी। प्यारे दोस्तों, वास्तु शास्त्र में अनेक वस्तुओं के संबंध में बताया गया है कि उन वस्तुओं को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, कैसे उनका उपयोग करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि उन वस्तुओं का अगर इसी प्रकार उपयोग किया जाए तो न केवल ये वस्तुएं आपको समृद्ध बनाएंगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल सकती है। वास्तुशास्त्र से ऐसे आसान से उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, घर अथवा दफ्तर में झाड़ू का अगर उपयोग ना हो तो उनको नजरों के सामने से हटाकर ऐसी व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए कि वो किसी की नजर में ना आए, क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं और हम कभी भी अपने घर में लक्ष्मी जी को खुले में नहीं रखते, क्योंकि ये अमूल्य चीज होती है। इसी प्रकार हम झाड़ू को भी हमेशा लोगों की नजरों से छुपा करके एक ऐसे व्यवस्थित जगह पर रखें जहाँ पर किसी की उस पर नजर ना पड़े। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम, उत्तर अथवा पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की ओर घोड़े की नाल लगानी चाहिए। इससे सुरक्षा तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कमरों में संपूर्ण फर्श को घेरते हुए कालीन नहीं बिछाने चाहिए, क्योंकि इनके बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रभाव रुकता है। जो घड़ियां बंद पड़ी है उन्हें आपको या तो ठीक कर लेना चाहिए या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है जिसके कारण घर में कलह का वातावरण बना रहता है और मन में अशांति उत्पन्न होती है। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना अत्यंत शुभ माना जाता है और सौभाग्यदायक भी होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत एवं कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और इन्हें बृहस्पतिवार को घर में टांगना शुभ होता है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्यार भी बढ़ता है और घर परिवार में लोगों के दिलों में अपनों के प्रति इज्जत अवश्य बनती है। घर की बैठक में जहाँ घर के सदस्य एकत्रित होते हैं वहाँ बांस का पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि मेल मिलाप बढ़े और लोगों में प्यार बना रहे। पौधे को बैठक के पूर्वी कोने में लगाने से काफी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास प्राप्त होता है। फेंगशुई के हिसाब से काष्ठ तत्व को घर अथवा दफ्तर की पूर्व दिशा में स्थापित करने से ये दिशा ऊर्जावान होती है, जिसके कारण आपको व्यापार में काफी उन्नति प्राप्त होगी और आपके घर में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। घर के दरवाजे के हैंडल में भीतर की ओर चीनी सिक्के लटकाना घर में संपत्ति अथवा सौभाग्य लाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे अथवा रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोग लाभान्वित होंगे। ध्यान रखें, केवल मुख्य द्वार के हैंडल में ही ये सिक्के लटकाने, बाकी में नहीं। अगर आप ऐसा करते तो आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।